Hi guys, welcome back to my channel Unfiltered Bree. And yes, after almost 1 month, I would say, or less than 1 month, I'm back with the reaction videos. Or last time I just gaane pe react kiya tha, wo tha Daku from the album of Ek Tha Raja of Badshah. So yeah, now I'll make sure that daily basis पर react करूँ. There were some things going on जिसकी वजह से मैं react नहीं कर पा रही थी, ना ही video बना पा रही थी, ना ही upload कर पा रही थी. But apart from all these things, I am glad that you guys have kept supporting me and thank you so much. So जैसे कि आप सब जानते हो, एक तरह राजा के सारे गाने out हो चुके हैं and I wanted to listen that song, but मैंने गाने नहीं सुने हैं because reason is मैं चाहती हूँ कि मैं सुनूँ and तब react करूँ. बिकॉज अगर सुनने के बाद फिर से react करूँ तो it will sound scripted. So, ज़्यादा टाइम ना लेते हो, पहले तो जो टीजर आया है उस पर रिएक्ट करते हैं. एंड इफ यू लाइक इट, सो वन बाय वन सॉन्ग्स पर भी रिएक्ट करेंगे. बिफोर दैट, आपको पता है चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लास्ट तक देखो, लाइक करो एंड या जस्ट गिव मी अ मोमेंट. तो भाई बादशाह एक था राजा द बिगनिंग जो ऑफिशियल अनाउंसमेंट हुई है, यूजुअली टीजर्स होते हैं 1 से 1.5 मिनट या 2 मिनट के, और यहाँ पे बादशाह भाई ने जो टीजर दिया है वो है 4 मिनट का. तो देखते हैं क्या है उस टीजर में. सो हियर वी गो. अक्सर तूफान से पहले की शांति ये बता देती है कि तूफान आने वाला है. ओ गॉड, शाहरुख खान की आवाज, लाइक लिटरली शाहरुख खान ने वॉइस ओवर दिया है, मतलब लाइक आवाज दी है. दिस वाज अनएक्सपेक्टेड. अच्छा हुआ मैंने टीजर से स्टार्ट करा, वरना मैंने तो सोचा था गाने पर रिएक्ट करूँ, बट फिर पता नहीं क्यों मेरे दिल में आया कि मैं टीजर से चालू करूँ. मैंने टीजर भी नहीं देखा था, सो आई थॉट वो स्किप करके गाने बजाते हैं. बट नाउ आई एम ग्लैड कि मैं टीजर से कर रही हूँ. एंड शाहरुख खान भाई साहब, आई डोंट थिंक सो इसके पहले किसी भी एक्टर से ऐसे वॉइस दिया है. एंड बादशाह बाजी ने तो ओके, नाउ बादशाह एक था राजा एंड बादशाह की आवाज़. So we can see that Badshah of Bollywood is giving a voice in Badshah of rap. Badshah, pata nahi mujhe just reconnect hua starting se sunte hain. Se pehle ki shanti ye bata deti hai ki tufaan aane wala. Sorry guys, mere to bhi gala kharab hai. Lekin kai tufaan bata kar nahi aate. Okay. Все в порядке? Что происходит? Нет, он здесь. Есть я. Экс. Окей. О, е. फर्स्ट थिंग आपको बोलूँ, मतलब मुझे देख के लग ही नहीं रहा कि मैंने किसी गाने के एल्बम का टीज़र देख लिया. ऐसा लग रहा है किसी मूवी का टीज़र होता है ना, मुझे तो वो वाली फीलिंग आ रही है. वो रशिया, जैसे उनका डाकू सॉन्ग में भी था, पूरा दिखाया था उन्होंने द टैंक वैंक एंड ऑल. एंड यहाँ पे भी एंड समोर मुझे जो ऐसा लग रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है दैट मे बी शायद बादशाह इज द किंग एंड उनके लिए कोई कॉन्स्पिरेसी रख रहे हैं. That's why the Edu party पूछ रही है, I don't know, देखते हैं आगे. But best part तो शाहरुख खान की voice है यार. Bad boy. ताकत आसमान में नहीं, ज़मीन पर होती है. और ये ताकत उसी को मिलती है जो झुककर उसे उठाना जानता है. That's true. Literally goosebumps आ गए यार. What a picturization, man. What a picturization. I need that power. कोई नहीं बोलेगा ये मूवी का सीन नहीं है, मतलब अब कोई बोल ही नहीं सकता दैट लिटरली किसी गाने का टीजर बनाया हुआ है. भाई साहब आप समझ में आ रहा है ये 4 मिनट तक क्यों गया है, इतना लार्जर स्केल पर दिखाया गया.
आई डोंट थिंक इंडियन हिप हॉप में ऐसा कोई एल्बम का टीजर शूट करा गया है, मतलब मैंने अब तक नहीं देखा। अगर आप लोगों को बता दो प्लीज कमेंट करके जरूर बताना। गाड़ी देखो, गाड़ी और व्हाइट स्नो ब्लैक गाड़ी Okay. एक राजा एक आईने की तरह होता है, अच्छों के लिए अच्छा, बुरों के लिए बुरा। कुछ लोगों के लिए ताज प्यारा है, कुछ लोगों के लिए तख्त। भाई एक्सपेक्टेड भी था, सॉरी इसलिए मुझे हंसी आ रही है। लेकिन शाहरुख खान का तो सही बोला था, देखा राजा आईने की तरह होता है, कुछ लोगों के लिए अच्छा कुछ लोगों के लिए बुरा, और कुछ लोगों के लिए तक कह रहा था, कुछ लोगों के लिए तो बादशाह बाजी ने दिखाई दिया कि तक क्या मायने रखता है। अब देखना इसके बाद वो क्या करते हैं। कुछ लोगों के लिए ताज प्यारा है, क्या अनएक्सपेक्टेड था गाइस। कुछ लोगों के लिए तक, कुछ लोग ऐसे जीते हैं जैसे वो राजा हो, ग्लेन वॉक ये डाकू वाले में भी उन्होंने दिखाई थी। और कुछ लोग ऐसे जीते हैं जैसे उन्हें फर्क नहीं पड़ता कि राजा कौन है। भाई आग लगा दी। ये ताकत कल किसी और के पास होगी, ये ताज कल किसी और के पास होगा, लेकिन ब्रेक कर दो बाजी, ब्रेक कर दो, हमारी होगी। एक सेकेंड, बाकी सब तो ठीक है, पर मैंने अरिजीत सिंह का नाम देखा। करण और राजीव भाई, अरिजीत सिंह ये गुलाब तो देखने लगोग, अरिजीत से समझ में आ रहा अरिजीत एंड बादशाह तो एम डैम शोर, ये गाना या तो दिल टूटने के ऊपर होगा, बट अगर कुछ और बनाते हैं तो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा देखने के लिए। आई नो मैं बहुत लेट हो चुकी हूँ। स्पेशल थैंक्स इज ओरिजिनल बादशाह शाहरुख खान, दैट्स ट्रू। ये था बादशाह बाजी के एल्बम का राजा का टीजर एंड आई एम लविंग इट। ठीक है, मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आया, मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ सॉन्ग सुनने के लिए। बट एज आई सेड कि मैं पहले सॉन्ग नहीं सुनूंगी, एक एक सॉन्ग सुनूंगी और उस पर रिएक्ट करूंगी। सो आई होप मुझे तो टीजर पसंद आया है एंड काफ़ी लोगों को ऑलरेडी पसंद आ चुका है। बट अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, और कमेंट करके बताना कौन सा पार्ट बेस्ट था। मैं अगर मेरा हाईलाइट बताऊँ तो जैसे उन्होंने एंट्री करा, वो जो स्नो के ऊपर कार्स दिखाई दी लाइन से, एंड बेस्ट पार्ट वाज जो उन्होंने वो आग लगाई है ना तख्त पे, वो मुझे बहुत पसंद आया। और शाहरुख खान की वॉइस तो क्या ही कहना यार, मतलब चार चार लगा दिए। सो या आई हैव लव दिस, एंड प्लीज़ मेक श्योर दैट यू डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। सो थैंक यू फॉर सपोर्टिंग मी गाइस। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जो कि होगा इस एल्बम का सॉन्ग गॉड डैम करण औजला के साथ वाला दो या मैंने ये चैनल पे। थैंक यू सो मच एंड डू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। बाय, टेक केयर, डोंट फॉरगेट योर नेम, सी या।